नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान की सेना और अफगानिस्तान में डेरा जमाए तहरीके तालिबान आतंकियों के बीच जंग का आगाज हो गया है। राजधानी इस्लामाबाद को आत्मघाती बम हमले से दहलाने वाले टीटीपी ने पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई के दो शीर्ष अधिकारियों को हुरू की खोज में भेज दिया है। टीटीपी की ओर से बहुत दिन बाद आईएसआई पर इतना बड़ा हमला हुआ है। यही नहीं, टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भी जान से मारने की धमकी दी है। टीटीपी ने चेतावनी दी है कि शहबाज और बिलावल दोनों ही पाकिस्तानी सेना के साथ उनकी जंग से दूर रहे। पीएम शहबाज और बिलावल दोनों ही इन दिनों खुलकर टीटीपी आतंकियों को धमकी दे रहे हैं और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी आतंकियों के खात्मे का ऐलान किया है। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि अमरीका भी टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान को मदद देने जा रहा है। इससे तालिबानी और ज्यादा भड़क उठे हैं और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम सीरिया नहीं है। दरअसल अब तालिबान टीटीपी आतंकियों के जरिए पाकिस्तान पर कब्जे की चाल चल रहा है। यही नहीं, टीटीपी आतंकी भी ठीक उसी तरह की चाले चल रहे हैं जिनके बल पर तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में सत्ता में आए हैं। अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकी टीटीपी के जरिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कबायली इलाके में अपने प्रशासनिक ढांचे को स्थापित करने में जुट गए हैं। अफगानिस्तान में हिंसा के दौर में तालिबान ने साल 2005 में ही समांतर गवर्नर और जिला गवर्नरों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद तालिबान ने 18 आयोगों का गठन किया जिन्होंने मंत्रालय के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसमें सेना वित्त और संस्कृति मंत्रालय शामिल था। तालिबान का सैन्य आयोग सबसे शक्तिशाली था। धीरे धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान के नए प्रांतों में भी अपनी पकड़ मजबूत की और वहां समांतर गवर्नर का ऐलान कर दिया ताकि वे वहां पर अपना शासन कर सके। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब टीटीपी आतंकी भी इस रणनीति पर जुट गए हैं। गत वर्ष फरवरी महीने में टीटीपी ने अपने ढांचे के पुनर्गठन का ऐलान किया है। पाकिस्तान के कबायली इलाके को दो जोन, उत्तरी और दक्षिणी जोन में बांट दिया गया है। पूरे इलाके को 7 प्रांतों में बांट दिया गया है। प्रत्येक प्रांत में एक समांतर गवर्नर की नियुक्ति भी कर दी गई है। इसके अलावा खुफिया अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। इसके ठीक बाद टीटीपी ने अपना पहला जंगी अभियान शुरू कर दिया जिसे उसने तालिबान की तरह अल बद्र नाम दिया है। इसके बाद साल 2022 के अंत में टीटीपी ने अब पाकिस्तानी इलाकों के लिए अपने रक्षा से लेकर संस्कृति मंदिर तक ऐलान कर दिया। टीटीपी के कमांडर नूरवली महसूद ने दिसंबर 2001 में कहा था कि टीटीपी पाकिस्तान में तालिबान शासन का विस्तार है। वहीं पाकिस्तान की धमकी के बाद अब तालिबान दावा कर रहे हैं कि टीटीपी आतंकी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। इस तरह वे टीटीपी के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई से बच रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना तालिबान को अपनी दोस्ती का हवाला देकर टीटीपी के खिलाफ एक्शन के लिए कह रही है। यही नहीं, डूरंड लाइन पर लगातार तालिबानी तोपे पाकिस्तानी सेना पर गरज रही है। तालिबान डूरंड लाइन को नहीं मानता है। यही नहीं, तालिबानी पाकिस्तान के पेशावर शहर पर अपना दावा ठोकते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान सेना की ओर से लगाई गई बाड़ को भी निकाल दिया है। इस समय पाकिस्तान के भविष्य के हालात बहुत ही खराब दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान सीमा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हिंसा के साथ अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके अलावा इस हिंसा की आग अब पाकिस्तान के शहरी इलाकों जैसे इस्लामाबाद तक फैल सकती है। टीटीपी के एक आतंकी ने पिछले दिनों ही पाकिस्तानी संसद का एक वीडियो जारी किया था और इसमें लिखा था कि हम आ रहे हैं। इस बीच तालिबान के कट्टर समर्थक ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें पाकिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का सफेद झंडा लहरा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।